जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है काली हल्दी। जानेंगे आज के वीडियो में काली हल्दी के चमत्कारिक उपाय और टोटकों के बारे में, तो जुड़े रहिएगा हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं काली हल्दी के बारे में, जानेंगे काली हल्दी के उपाय व टोटके। मित्रों, जो हमारे मित्र नए इस वीडियो में आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, पीली हल्दी के गुणों से हम सब वाकिफ़ हैं, पर काली हल्दी के उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। जब सफलता असफलता बन जाए, घर में धन की वृद्धि रुक जाए, ऐसे में जो लोग काली हल्दी के उपायों को जानते हैं, वो सरल टोटकों से किसी का नुकसान किए बगैर यह प्रयोग में लाते हैं और अपना उपाय कर लेते हैं। आज जानते हैं ऐसे ही उपायों के बारे में। काली हल्दी के उपाय इस प्रकार से हैं। आप सब ने पीली हल्दी के बारे में तो सुना ही है, परंतु काली हल्दी भी पाई जाती है। काली हल्दी का प्रयोग ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र में विशेष रूप से किया जाता है। मित्रों, यह अनेकों प्रकार के बुरे टोने टोटकों को दूर करके हमें दुर्भाग्य से बचाती है। काली हल्दी का प्रयोग बड़ा ही सहज है। इसके लिए केवल आपको घर से निकलने से पहले काली हल्दी का टीका सिर पर माथे पर लगाना चाहिए, जिससे आपके काम में असफलता आ रही हो, वह सफलता में सुनिश्चित रूप से प्राप्त आप कर पाएंगे। बुरी नज़र से व्यापार को ऐसे बचाएं। अगर आपके काम को बुरी नज़र लग गई हो तो, अथवा आपका व्यापार नहीं चल रहा हो तो, इसके लिए एक बेहद ही आसान सा उपाय है जो काली हल्दी का है, जिसे करने पर आपका व्यवसाय चलने लगेगा तथा सभी तरह की भाग्य संबंधी बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, इसके लिए रविवार के दिन दोपहर के समय 5 कागजी नींबू काटकर व्यवसाय स्थल पर रखकर उसके साथ 1 मुट्ठी काली हल्दी, 1 मुट्ठी पीली सरसों रख दें। अगले दिन जब दुकान या व्यवसाय स्थल खोले तो सभी सामान को कहीं दूर जाकर सुनसान स्थान पर दबा देवें। ऐसा करने से आपका काम कारोबार खुल जाएगा और चलने लगेगा। मित्रों, अगर इंटरव्यू में सफलता के लिए आपको उपाय चाहिए तो काली हल्दी का ये उपाय बड़ा ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, इसके लिए सबसे आसान उपाय यही है कि गणेश जी को मनाया जाए। आप किसी भी बुधवार को सुबह गणेश जी के मंदिर में जाएँ, वहाँ बैठ कर गणपति का अर्थवार्षिक का पाठ अवश्य करें और उनकी पूजा में चढ़ाए गए पुष्पों में से 1 पुष्प उठाकर अपनी जेब में रख लें। इस उपाय से इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांस और अधिक बढ़ जाएंगे। अगर हो सके तो ये काली हल्दी भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर भी चढ़ा दें, और ज़्यादा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं गोमती चक्र का उपाय। ज्योतिष में गोमती चक्र को बेहद ही आवश्यक वस्तुओं में से माना गया है। यह नदी तथा समुद्र के किनारों पर मिलने वाला एक साधारण सा परंतु बेहद महत्वपूर्ण पत्थर होता है। मित्रों, यदि आपको पैसे की समस्या आ रही है तो 5 गोमती चक्र अपनी तिजोरी या पैसे वाली अलमारी में रखें, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शत्रु बिना वजह आपको दुखी कर रहा हो तो शत्रु का नाम में जितने अक्षर हो उतने गोमती चक्र लेकर उन पर अपने दुश्मन का नाम लिखकर उन्हें जमीन में दबा देवें। इससे आपके शत्रु हारने लगेंगे। मित्रों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो काली हल्दी और गोमती चक्र से संबंधित थे। अगर आप हमारे इन्हीं तरह के और उपायों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। मित्रों, हमारे इस ज्योतिष के चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, जय श्री श्याम।